हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या चल रहा है? और कल व्लॉग नहीं आया, उसके लिए मैं माफ़ी तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि वीकेंड था, हमें भी छुट्टी का मौका चाहिए भाई। हमारी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, इन्हें खुश करने के लिए हम रोज रोज व्लॉग थोड़ी बनाते रहेंगे। और क्या, हमने 365 दिन का चैलेंज, हमने नहीं तूने 365 दिन का चैलेंज लिया है। नहीं, चैलेंज लिया है वो बात सही है, लेकिन इतवार तो हमारे हिस्से में भी होना चाहिए ना। मतलब इतवार तो आज है, शनिवार तो हमारे हिस्से में भी होना चाहिए। तो इतवार आ जाए तो आज की भी छुट्टी बंद कर दे। ओके। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं पानीपत चौथा युद्ध करने, आदिल वर्सेस शादाब। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, आप किसकी सपोर्ट में? पानीपत क्यों लेके जा रहा है यहाँ करना? यहाँ क्यों करूंगा, जहाँ लड़ाई होती है वहीं करेंगे लड़ाई। पानीपत में लड़ेंगे? डर गया, बस डर गया। अबे तो पानीपत या चायपत कहीं भी ले चल, पिटेगा तो उतना ही। दोस्तों आप बताओ, आप किसकी सपोर्ट में हो, टीम आदिल या टीम शादाब? आदाब बैंड टूट चुका है, आदाब का आद अलग हो चुका है, आप अलग हो चुका है। एक तो मच्छर घुस चुके हैं गाड़ी में दुनिया भर के। तो हम लोग पानीपत अकेले नहीं जा रहे हैं, भैया भाभी के साथ जा रहे हैं। कोई जा रहा है वो, और गाड़ी कौन चलाएगा दोस्तों? ये तो दिक्कत हो गई है भाई, बनवाएगा ब्लॉग बॉल। मुझे लग रहा था मस्त जाऊंगा भैया भाभी के साथ आराम से पीछे बैठ के। तो भाभी का वहाँ पे एक शूट है, तो मैं, भैया, भाभी, आदिल, हम चार लोग जा रहे हैं पानीपत। शूट उनका है लेकिन तीन लोग अलग से जा रहे हैं। तो दो दो एक तो ड्राइवर है और एक उसका कंडक्टर है। सुन, टिकट मांग लियो भैया से, बोलियो टिकट के पैसे दो, मुझे उतार देंगे, बोलेंगे ऑटो में बैठ के आ जा। ये ले 20 की पत्ती गाड़ी, वो गाड़ी है वो। तो दोस्तों, आज का व्लॉग थोड़ा सा मजेदार हो सकता है, हमें नहीं पता, हम कुछ प्लान तो करते नहीं है। रैंडमली कैमरा चालू हो जाता है कहीं भी कभी भी, और गाड़ी में बहुत सारे मच्छर हैं, इधर उधर काट रहे हैं मुझे। ये देखिए भाई साहब, वो 52 की स्पीड है, 52 52 की स्पीड पे ही चलाएंगे गाड़ी। 52? हाँ, दुर्घटना से देर भली। अरे 50 हो गई, 52 करनी है, 52। दुर्घटना से देर अगर हो गई तो दुर्घटना हो जाएगी तेरे साथ। क्या भैया ने बोला, ठीक 2:30 बजे निकलना है, 2:15 यही हो गए, तो है ना 15 मिनट। अभी 15 मिनट में तो 52 किलोमीटर कैसे जाएगा? दोस्तों भैया ने बोला था कार साफ करा के लेके आना, लेकिन ये मनहूस ने ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ धूल भरी हुई है। ऐसी काम करेगा, अब डर से हमें खुद साफ करनी पड़ रही है। हाँ घुस जा, यहाँ कर दे, यहाँ साफ कर दे। अबे गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। अच्छा हाँ, अपना काम कर। कर तो रहा हूँ चुपचाप। अच्छे से करना, ठीक से साफ कर। मुझे उस जो कार साफ करने वाला है उसमें तू दिखता है, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला, वरना तो उसकी खैर नहीं थी आज। दोस्तों ये मेरे लुक्स का इतना मजाक बनाता है खुद को, ये मुझे लग रहा है सलमान खान समझता है। सलमान खान है तू, अब ये सुल्तान वाला जो हो गया था ना मोटा जैसे, उसमें वो वाला सलमान खान है तू। चिढ़ गया आज तू, मजाक बनाता रहता जैसे खुद तो हूर का परा हो एक नंबर का। पेट देखो दोस्तों, ये देखो कैसे झांक रहा है पेट बाहर। कान मैं जैसे थोड़ा सा गोरा होने वाला होता हूँ, ये गर्मी आ जाती है। तूने वो कहा गया जो फेयर एंड लवली का पूरा पैकेट खरीद लिया था? फेयर एंड लवली नहीं है वो, फेयर एंड ग्लो हो चुका है अब। मैं तो भाई यूज नहीं करता, तो मुझे कैसे पता होगा। एंड आज मैं आ गई हूँ पानीपत, ऐसे रेडी। हेलो गाइस, तो आज मैं आ गई हूँ पानीपत, एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने, जिसकी जरूरत हमारे पति देव को बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा चलो पास में ये पानीपत चलते हैं और देख के आते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं पानीपत। पानीपत करने के आए हो तुम? बता दिया मैंने कि आपके काम से आए हैं, बट कुछ काम में हेल्प कर नहीं रहे हो ना ब्रो। तो गाड़ी चला के आया हूँ मैं इतनी देर? हाँ झूठा झूठा, शुरू में गाइस आधा घंटा चलाई है इसने, फिर इतनी गंदी गाड़ी चला रहा था ये कि बस को हमने वापस पीछे बिठा दिया। तो अब क्या देर है, चल क्यों नहीं रहे वहाँ पे? मेले में आए हैं ना, मेले में अभी झूले शुरू नहीं हुए हैं, तो बच्चे झूला नहीं झूल पाएंगे। मेला दिलों का आता है एक बार, तेरे गांव से वही गाना अच्छा लगता है। वो मैंने गाना बंद कर दिया। अब क्या कर रहा था बाहर? बात कर रहा था, और क्या कर रहा था? चलो। दोस्तों मैं पानीपत आया था बिल्कुल तैयार होकर, ये सोच के कि युद्ध करूंगा, और ये पता नहीं किसी मेले में मुझे ले आए हैं।
तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मतलब अगर जड़ से भी नहीं है बाल तो बार बार सेम से शादा अच्छा तू यहाँ ओ दोस्तों यहाँ पर ये टैटू शॉप भी है, टैटूओं की दुकान। तो सोच रहा हूँ कि अपने हाथ पे कुछ टैटू करा लूँ। दोस्तों बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, ये देखिए नाइकी के पता नहीं कौन से जूते पहन के। शादा शादा ओ अच्छा इधर शरबत नहीं है ये, शरबत नहीं, हेयर ऑयल है ये। नहीं मैं क्या है देख लो क्या देख रहा हूँ क्या है यार। रख ले जेब में रख ले, बेच देंगे चल के बाहर। सुन गाड़ी की चाबी दियो। क्यों? इफ्तारी का टाइम हो गया ना, मैं वो खा के आऊँ जो रखा हुआ है सामान। शादाब शादाब सुन ही नहीं रहा यार। हाँ इस बहन पे इतने बड़े बाल हो जाते हैं कराने, बाल की जगह कुछ और अगर हो कोई और प्रोडक्ट इनसे पूछना। इससे क्या बड़ा होगा, बस आया मुझे पढ़ के डांट मुंह में घुसेगा क्या मेरे बिल्कुल ही। दोस्तों जिस काम के लिए आए थे वो पूरा हो चुका है, मकसद पूरा हो चुका है, फिट फिट कर दिया एकदम सेट एंड सेट। अब ये क्या है, गाड़ी के लिए या गाल धोने के लिए? दोस्तों वो छोटा बड़ा रहा है घर वाला, फोन आ रहा है, फोन उठा हेलो तुझे फोन कर रहा हूँ मैं, जरा उठा लियो। हेलो हेलो आदिल, हाँ जी कहाँ हो भाई साहब, तुम्हारे पीछे तुम्हारे चल मुंह खोल ब्रश करूँ तेरा। ये क्या कपड़े के लिए अरे तेरी वीडियो बन गई है यार, जुगाड़ू चीजें बहुत है ले ले। कहाँ जुगाड़ू? तो दोस्तों आज ये अपना मूड हो गया आया है, तो इसका सारा मेकअप उतर चुका है और इसका असली चेहरा सामने आ चुका है। इसका शाला बीवी का असली चेहरा मुँह खोल के बात कर, मुँह बंद गया है, ऑर्डर दिख रहे हिलते हुए यार। दोस्तों मैंने अपना मुँह धो लिया आज। ये दिला दे यार ले 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 ले। देखो 32 साल की उम्र में ऐसे काम करने में कितना मजा आता है इसे। We'll be right back.
पे भैंस कैसे बैठी। रिकॉर्ड हो गया सब। तो दोस्तों शूट हो चुका है हमारा पूरा और मस्ती भी कर ली है हमने, मास्क ले लिया है, आज घर जाके सब बच्चों को डराऊंगा। किताबों की दुकान है, लेगा किताबें? किताबें कुरान के अलावा कोई किताब नहीं लेता मैं। तो दोस्तों अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं घर की तरफ और कार में कुछ बातें चीतें करेंगे। बातें चीतें? ये मास्क बढ़िया ले लिया, अब इससे घर में सबको डराऊंगा। मेरी तो नज़र ऐसी चीज़ों पर ही पड़ती है, मज़ेदार है। तुरंत पकड़ लिया तूने। अरे रखना था। क्या? अबे यार ऐसे बाल भी अच्छे, टोपी लग रही है, देख जैसे टोपी पहन रखी हो। कहाँ जाना है? पंच के पीछे। अब इसी को कितनी देर तक पहन के घूमेगा? ऐसे जाऊंगा घर तक आज, जो घोड़े पे बैठ के राइड कर ले। रख दे अब इसे का, बिल्कुल घर तक ही जाएगा लगा के। तुझे क्या तकलीफ हो रही है? शर्म आ रही है तुझे? क्यों ले आए साथ, ये तकलीफ हो रही है। हट जा, गाड़ी नहीं मुड़ेगी वरना। ना ना मोड़, इसे लगा के मोड़। आगे का दिख नहीं रहा ना कुछ भी। क्या पेड़ ढूंढ रहा है क्या कोई? हाँ। एसी क्यों बंद है भाई? अरे ये इसका व्लॉग थोड़ी रुकेगा। तो एक सेकंड, तुमसे एसी बर्दाश्त नहीं हो रही किसी से भी? तू कौन सी एक्टिंग चल रही है तेरी है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। मैं पता नहीं, नेचुरल हैबिटेट में आ चुका हूँ, एनिमल किंगडम में वापस आ चुका हूँ। तो फिर तो गधा बनना तू, एक गंदर का बना हुआ। दोस्तों हम रास्ते में रुके थे घर जाते हुए, और ये देख लो। अरे क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? बंद करो। हैं? क्या हुआ? अब चैनल का इकलौता वारिस मैं। अरे जिंदा है, जिंदा है दोस्तों। क्या हुआ? बंद करवा देगा ना? मेरे सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। सुनने की क्षमता? ओए ये छोटे वाले नहीं को कर, ये है ना बड़े लोगों का, ये तो बच्चों का है। अबे क्या कर रहा है ये? यार ये मियां बीवी के फोटोशूट हर जगह स्टार्ट हो जाते हैं, क्या बात है, ये क्यों हो जाते हैं स्टार्ट? पता नहीं, ना तो मैं किसी की बीवी हूँ ना मैं किसी का मियां हूँ। तो मुझे भाई साहब ये फोटोशूट क्यों हो रहा है, क्या बात है ये? क्यों हो रहा है, क्या बात है ये? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है ये? क्या बात है ये? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी क्या राय है इस बारे में, क्यों हो रहा है फोटोशूट? मेरी कोई राय नहीं है, क्यों हो रहा है ये? एक तो ये बेसुरा सिंगर गाने गाए जा रहा है। तेरी कब मुलाकात होगी मेरी घरवाली से? हो जाएगी जल्दी, चलो। सारा चाले, सारा चाले ना, कंडक्टर साहब चाले। ए हो पी कर मेरा। कौन है ये? हाजी कर मेरा। दोस्तों ये मैकडी की कोई बिल्कुल फ्राइज मैं नहीं खा रहा हूँ। मैंने बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट कर दिया? क्यों खा रहा है? खा के धूप रहा हूँ ना मैं।